ये जो सारा 2500 साल के वर्णन में समाज कैसे था, समाज संपन्न था, समाज उद्यमी था, समाज ज्ञानवान था। ज्ञान के बारे में मैं देवरिया की मणियों की सभा में दुष्टता नहीं करूंगा वर्णन करने के लिए, मैं फेल हो जाऊंगा इसमें। ज्ञान के बारे में तो सर्व विद्या की धनी काशी है, गंगा जी के किनारे। आप लोगों की ज्यादा विद्वत्ता इस देश में आपने ही दर्शाए हैं लोगों को। कौन से विषय में हम कम थे, लेकिन आज हम क्यों पीछे हो गए हैं? अच्छी खबरें आने लगी हैं। परसों ही खबर आई है कि विश्व की पांचवा सबसे बड़ा अर्थनीति भारत बन गया है। पिछले इस बार 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने आत्मविश्वास से कहा है। प्रधानमंत्री जी एक व्यक्ति नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री जी 130 करोड़ लोगों की सामूहिक अभिव्यक्ति का आवाज होते हैं। वो अभिव्यक्ति था कि आने वाले 25 साल में भारत एक विकसित देश होगा। भारत जब विकसित देश होगा, उस संपन्नता हमारी संस्कारों में है, वो संपन्नता निज स्वार्थ में नहीं लगेगी। चाइना के पास पीपी किट था, नहीं दिया सबको। चाइना से जो जो व्यापार किए हैं वो पड़ोस के देशों को थोड़ा देखिए क्या हालत बनी हुई। हमको आलोचना थोड़ा हुई कि भाई आपके वहां वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ, आपने क्यों पहुंचा दिया दूसरे की जगह पे। आज ब्राजील से लेके खाड़ी के देशों में भारत की विश्वसनीयता इसीलिए पहुंची क्योंकि भारत की संस्कारों में था जियो और जीने दो। हम खुद को वैक्सीनेट किए, दुनिया को भी वैक्सीनेट किए, ये भारत की मूल संस्कार है। भारत की वसुधैव कुटुंबकम की ये ही व्यवहारिक रूप है। आज भारत विकसित होगा तो हम अपने देश की आवश्यकता तो पूरा करेंगे ही, लेकिन दुनिया की आवश्यकता को पूरा करने की संस्कार हमारी पास है। ये भारत में ही है मित्रों। ये जब सब मैं कह रहा हूं, मेरा सौभाग्य है कि मेरे को शिक्षा विभाग की कामकाज संभालने की दायित्व प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं उस पॉलिसी को पढ़ रहा हूं, मैं 3-4 बार पढ़ चुका हूं और बार बार जब पढ़ता हूं मेरे उसमें से मेरी स्फूर्ति बढ़ती है। वो केवल एक 60-65-70 पेज की एक मसौदा नहीं है, एक पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। भारत को वैभवशाली बनाने का एक दार्शनिक ग्रंथ है, एक साहित्य है जिसमें आत्मविश्वास, जिसमें ज्ञान, जिसमें उद्यमिता, जिसमें वैश्विक दायित्व लेने की, ग्लोबल सिटीजन बनाने के लिए कल्पना है। हम इस सब को इसीलिए आपके सामने उल्लेख किए कि मैं शुभेच्छा देता हूँ शशांक जी को। शशांक जी ने एक नागरिक के नाते देश बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में अपनी जिम्मेवारी निभाई। हम सभी के सामने एक मॉडल खड़ा किया है। इस प्रकार की अभी प्रधानमंत्री जी ने और एक बात इस बार हम सबको कही है, 5 प्रण कराते हुए कि मित्रों आज भारत में हम सभी लोग ज्यादातर चिंता होते हैं मेरे अधिकार का क्या हुआ, मेरे को ये क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल सकता है। मैं टैक्स देता हूं, बात सही भी है, टैक्स आखिर हम देते क्यों हैं। अधिकार को लेकर हम चिंतित है मित्रों। अधिकार तब सुरक्षित होगा उसके लिए कोई जिम्मेवारी लेगा तो, कोई अपना ड्यूटी करेगा तो। सीमा में माइनस डिग्री में सैनिक पहरादारी करते हैं इसीलिए हम चैन की नींद सोते हैं। हमारी गली में रात को बहादुर पहरादारी करता है तो हम निश्चित होकर घर में सोते हैं। कोई जिम्मेवारी लेगा तो समाज सुरक्षित होगा। आज ये जिम्मेवारी संवाद सृजनशीलता की एक प्रयोग हमारे सामने है,
इसको मैं शुभेच्छा देने के लिए आया हूँ। ये किताब बहुभाषी हो, ये आयाम सर्वव्यापी हो, एक शशांक मणि नहीं, देश में लाखों शशांक मणि अपनी जिम्मेवारी को लेकर बढ़े। मैं इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।